बलरामपुर विकास खंड तुलसीपुर के गांव शिवचरण डीह में नाली निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें पीला ईंट और कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। घटिया निर्माण को देख ग्रामीणों में आक्रोश। शिवचरण डीह गांव में नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान के द्वारा नाली निर्माण में अब्बल ईंट की जगह पीला ईंट का प्रयोग तथा 6:1 की जगह 10:1 का सीमेंट बालू का मिश्रण प्रयोग करने का आरोप ग्रामीणों ने बुधवार को आरोप लगाया। मानक विहीन कार्य को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर जांच कराए जाने की मांग की। आप लोगों के द्वारा संज्ञान में ये बात आई हुई है, इसकी जांच कराते हैं, जो सही है उसका आवश्यक कार्रवाई है, इस पर निर्देशित किया जाएगा, जो भी इसमें गलत होगा उसको क्या कार्रवाई होगी। बलरामपुर समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायिका एवं थारू जनजाति महिला विकास समिति द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम आवकर गोरा रोड, अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार, SDM सदर गजेंद्र राजेंद्र बहादुर द्वारा आश्रम का निरीक्षण कर वृद्धजनों से आश्रम द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में जायजा लिया गया। वृद्धजनों के द्वारा बताया गया कि सुबह चाय, बिस्किट, नाश्ते में पूड़ी व आलू, मटर टमाटर की सब्जी, रायता तथा भोजन में मिक्स दाल, जीरा आलू, रोटी, चावल, सलाद मिला है। साफ सफाई अलावा व आश्रम व्यवस्था को देखकर प्रसन्नता व्यक्त किए। आश्रम प्रबंधक रमेश कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार चाय, नाश्ता, भोजन तथा वृद्धजनों के सोने से पहले एक गिलास दूध गुड़ युक्त दिया जाता है। आश्रम में निवासरत 59 वृद्धजन, 19 महिलाएं, 50 पुरुष को कंबल वितरण किया गया। मौके पर वृद्ध आश्रम प्रबंधक रमेश कुमार यादव व समस्त कर्मचारी तथा वृद्धजन उपस्थित रहे। श्रीमती विनीता ठाकुर चाचोरनी की तरफ से हुकुम बहादुर सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन आज तेरा। राजस्थान के बारा छिपाब डॉट जिले में ऐतिहासिक एवं क्षेत्रीय विश्वविख्यात ईसाइयों का 2 दिवसीय मेले के आयोजन को लेकर पिपलौदा गांव में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कोटा संभाग की ईसाई समुदाय की इकलौती सरपंच साहिबा श्रीमती प्रमिला मार्टिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर को ग्राम पंचायत अरडात के पिपलौदा गांव में लगभग 100 से अधिक वर्षों से ईसा मसीह के जन्मदिन पर बहुत ही भव्य एवं आलीशान मेले का अद्भुत आयोजन किया जाता है। इस दौरान स्टीफन माइकल अभिषेक माइकल ने बताया कि यह गांव बसे हुए 118 साल हो गए हैं और हमारा ईसाई समुदाय बाहर क्षेत्र से आया था और उस दौरान कोटा दरबार ने हमें यहां पर बसाया था और हमें आजीविका के लिए जमीन भी दी गई थी। मेले में ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई करवाई गई है। ईसाइयों भाइयों के मकानों में रंग रौनक पुताई एवं साज सज्जा की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं महिलाओं और पुरुषों समेत बालक बालिकाएं भी नए कपड़े, गहने, गांठे आदि की खरीदारी में व्यस्त हैं। ये मेला हमारे पूर्वजों के टाइम से ही बढ़ता आ रहा है और इस मेले के अंदर हर जाति के समाज के व्यक्ति शिरकत करते हैं, यहाँ आते हैं और ये मेला एक तरह से प्रेम भाव का, भाईचारे का एक प्रतीक है और सब अपना मत भेद भुला के धर्म का, जाति का, सबका अपना कोई भी ऐसा मतभेद के दिलों में नहीं रहता, सब एकता का प्रतीक है ये मेला और बड़ी धूमधाम से बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये मेला भरता है यहाँ पर और लोग बाग अपना मनोरंजन भी करते हैं। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं।
राजस्थान के बारा छिपाब डॉट उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में सनातन धर्म जनजागृति संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव के नेतृत्व में आर्य वाटिका में चल रहे 10 दिवसीय निशुल्क आयुर्वेदिक शिविर के शल्य चिकित्सकों वरिष्ठ कंपाउंडर का भव्य सम्मान किया गया। सनातन धर्म जनजागृति संस्था के प्रदेश मीडिया प्रभारी कुलदीप सिंह सिरोहिया ठिकाना हरनावदी जागीर और संस्था के प्रदेश मंत्री नंदलाल केसरी ने बताया आयुर्वेदिक विभाग बारा के अनुसार 1100 रोगियों की जांच कर उपचार किया जा रहा है। स्नौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों को अवैध शस्त्रों व घटना में प्रयुक्त चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 4 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों द्वारा 11 दिसंबर को सराफा व्यापारी के साथ लूट का प्रयास किया गया था, जिसमें व्यापारी की जांग में गोली भी लगी थी। एसपी ग्रामीण राम अर्च द्वारा प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया गया। आपको बताते चलें कि बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सादीपुर निवासी भोलेनाथ वर्मा बरूकी स्थित अपनी ज्वेलर की दुकान बंद करके बाइक से अपने घर लौट रहे थे कि तभी सादीपुर की पुलिया के पास हाईवे पर अपाचे मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके साथ लूट का प्रयास किया गया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चला दी और गोली व्यापारी की जांग में लगने से वह घायल हो गए। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए स्वाट सर्विलांस थाना कोतवाली देहात पुलिस को एसपी द्वारा निर्देशित किया गया। 11 दिसंबर को भोलेनाथ वर्मा जो सादीपुर के रहने वाले हैं, बरुकी में जिनकी ज्वेलर्स की दुकान है, अपनी दुकान बंद करके घर को जा रहे थे। सायंकाल करीब 5 बजे उनके साथ जो है 2 बदमाशों ने जो है उनका थैला छीनने का प्रयास किया। उस छीना झपटी में उनके बदमाशों द्वारा फायर किया गया जो उनके पैर में जान पे लगी। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पे लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना की गई थी। इसमें विवेचना के दौरान 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, संजू सैनी, हेमंत उर्फ गोली उर्फ अनुज, भोला और टीटू और रिकुल का। इस पे हमारी पुलिस टीमें लगातार काम कर रही थी। कल सायंकाल ये लोग पुनः जो है पुगरावाला में नेपाल सिंह की ट्यूबवेल के पास लूट की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां दबिश दिया। श्रीमती विनीता ठाकुर चाचोरनी की तरफ से हुकुम बहादुर सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एमपी के गुना राघोगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र के NFL विजयपुर फैक्ट्री के पास शासकीय जमीन जो कि रेंच की जमीन है, इस शासकीय जमीन पर कुछ लोग काफी समय से अवैध रूप से कब्जा करके खेती कर रहे हैं। पास के ग्रामीण जनों ने जब इसकी आवाज उठाई तो ग्राम के लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगे। फॉरेस्ट विभाग को भी इस जमीन का आवेदन पूर्व में पाडरखेड़ी के ग्रामीणों ने आवेदन किया था, परंतु फॉरेस्ट विभाग के SDO रेंजर अधिकारी को आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारती समाचार। बात की जाए तो रावड़ के आप देख सकते हैं पासी में 58 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो कि शासकीय जमीन है। देख सकते हैं आप चारों तरफ जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो जानेंगे इनसे किन किन लोगों ने इस शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? नसीरुल है। किसने कब्जा कर रखा है जमीन पे? कब्जा किसने कर रखा है जमीन पे? बलवीर बाबू ने कर रखा है और राजेंद्र यादव ने कर रखा है। क्यों कर रखा है? और वो कमल सिंह लोजा। राजस्थान झालावाड़ जिले की पंचायत समिति मनोहर थाना की ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी कला में राजकीय सीनियर सेकेंडरी
विद्यालय में 2 दिवसीय SMC एवं SDMC कार्य सामुदायिक गतिशीलता प्रशिक्षण की शुरुआत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कोलूखेड़ी कला गिरधर सिंह राजावत द्वारा मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके की गई और स्थानीय विद्यालयों से आए SMC सदस्यों का परिचय एवं कार्यों की जानकारी प्रदान की। विद्यालयों में होने वाले विकास कार्य एवं समुदाय के दान से विद्यालय को होने वाले लाभ एवं खर्च आदि के बारे में जानकारी दी। वहीं रिपोर्टर मीना रावत ने बताया अध्यापक रामचरण लोधा द्वारा भी सत्र को संबोधित किया। अपने क्षेत्राधिकारी क्षेत्र के विद्यालयों से आए संस्था प्रधान राम सिंह मीणा, मनीष साहू, दिनेश कुमार मीणा, भूरा लाल पारोता आदि सभी सदस्य मौजूद रहे। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेड़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। भारत स्वाभिमान ग्राम समिति शाहबाद एवं युवा भारत के तत्वाधान में काकरी कांड के महानायक वीर शिरोमणि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को पढ़ा भी और प्रतियोगिता भी दी। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय के प्रांगणी में 80 बच्चों ने प्रतियोगिता दी। विद्यालय में से 11 बच्चों को युवा भारत के द्वारा परितोषिक देकर सम्मान किया जाएगा। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद नवांचल शिक्षा समिति द्वारा कस्बे में संचालित महर्षि वाल्मीकि आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को 3 दिवसीय SUPW शिविर का शुभारंभ हुआ। वीर सावरकर दल प्रभारी आचार्य भुवनेश गोस्वामी ने बताया कि शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षक जगदीश राठौर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इतिहास व्याख्याता जितेंद्र कुशवा ने की। अतिथि स्वरूप कन्हैया लाल सहरिया, व्यवस्थापक सुरेंद्र मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन व अतिथि परिचय के बाद अतिथियों का उद्बोधन संपन्न हुआ। पढ़ाया जाता है वास्तव में तारीफ के काबिल है और आज विशेष अवसर है कि आप परीक्षाओं से निवृत्त होने के पश्चात सहारनपुर हिंदू विश्व महासंघ वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट सनातन हिंदू बोर्ड ने आज भारत माता चौक नुमाइश कैंप में शाहरुख खान की विवादित फिल्म पठान का जमकर विरोध किया। मौके पर शाहरुख खान के पुतले को फांसी पर लटका, उसके बाद पुतले को जलाया भी गया और जमकर जूते चप्पलों से महिलाओं ने पीटा। सनातन हिंदू संगठन की माने तो शाहरुख खान ने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाई है और उन्होंने मांग की सरकार को तत्काल मूवी पठान पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं विजयकांत चौहान और भाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट आज भारत माता चौक पर विश्व हिंदू महासंघ और सनातन हिंदू बोर्ड के माध्यम से हमारे जज आदरणीय देवेंद्र कुमार जी और हमारी श्रीमती आशा सबरवाल जी जल्लाद रमेश पंजाबी के माध्यम से भारत माता चौक पर देश के गद्दार भगवा विरोधी शाहरुख खान की आज फांसी देने का कार्यक्रम रखा है। हम उस फांसी के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि जनता की अदालत में जनता के फैसले से जनता की गवाही में आज भारत माता चौक पर जो सांकेतिक गवाही दी जा रही है। अगर हमारे सिद्धार्थनगर जिले में वार्षिक निरीक्षण करने जिले में पहुंचे DIG RK भारद्वाज। इस दौरान उन्होंने सदर थाने का निरीक्षण किया, थाना परिसर के ऑफिस फाइलों, मालखाना, शस्त्र, बैरकों इत्यादि का निरीक्षण किया। इस दौरान कमियों को लेकर DIG द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिले के SP अमित कुमार आनंद, ASP सिद्धार्थ, CO अखिलेश वर्मा समेत सदर थाने के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान DIG RK भारद्वाज ने कहा कि हर वर्ष 2 थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, जिसमें ऑफिस, मालखाना, कागजातों सभी का निरीक्षण किया जाता है और इस निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि थानों की चीजों को समय से सही कर लिया जाए। क्या कमियां मिली?
ये हमारा एक वार्षिक इंस्पेक्शन होता है। हमें रेंज पे प्रत्येक जनपद के अंदर में दो दो थानों का इंस्पेक्शन करना होता है नियम पर, जिसके अंदर में हम लोग सब चीज़ देखते हैं, बैरिक देखते हैं, खाना देखते हैं, कागज़ देखते हैं, मालखाना देखते हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था देखी जाती है। इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये होता है कि चीज़ों को करेक्टिव मेजर्स लेना। कई कमियां आपकी सभी व्यवस्था के अंदर में कुछ कुछ कमियां होती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको करेक्टिव मेजर्स लेना, वही इस इंस्पेक्शन का उद्देश्य होता है। सर, ठंडे के मौसम में आए दिन मतलब इसमें चोरियां ज़्यादा होती, इसके लिए क्या नहीं, आपकी बात सही है कि ठंडा के दिनों के अंदर में चोरियां बढ़ जाती हैं। इसके लिए लगभग एक महीना पूर्व ही हमने एक अभियान चलाया था, जिसके अंदर में जनपद के अंदर में गांव के पास में या टाउन के बाहर में कुछ डेरे बसे गए थे, उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। यहाँ पर गांव देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।